टी20 वर्ल्ड कप में भले ही नेपाल के पूर्व कप्तान और चैंपियन स्पिनर संदीप लामिछा ने अमेरिका में खेले गए मुकाबलों में वीजा कारणों की वजह से ना खेल पाए हों, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के ही लीग राउंड में खुद को मिले दो मौकों में संदीप ने एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम कर ली है जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े नाम भी हासिल नहीं कर पाए हैं। दरअसल संदीप लामिछाने की उपलब्धि अमेरिका की उस अकड़ का जवाब भी कही जा सकती है जहां उन्हें अमेरिकी सरजमी पर वर्ल्ड कप के शुरुआती लीग मैचेस खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। दरअसल संदीप लामिछाने अब टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप लामिछाने ने 54 मैच खेलते हुए टी20 क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने का कारनामा पूरा किया है। ऐसा करते हुए संदीप ने वर्ल्ड क्रिकेट के कई बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ संदीप लामिछाने ने मैच में कुल 4 ओवर गेंदबाजी की। इस दौरान उन्होंने 4.20 की इकोनॉमी से 17 रन खर्च किए, 2 विकेट चटकाए। मैच के दौरान संदीप लामिछाने ने 1 ओवर मेडन भी डाला। आपको बता दें कि मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल भारत के जसप्रीत बुमराह, पाकिस्तान के शाहिनशाह अफरीदी और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क भी अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट नहीं चटका पाए हैं। वहीं अगर विकेट्स लेने की रफ्तार की भी बात करें तो इस रेस में भी संदीप ने श्रीलंका के दिग्गज लसित मलिंगा और पूर्व नंबर 1 स्पिनर रहे वानिंदु हसरंगा को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे बात की जाए सबसे तेज टी20 फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की तो इस लिस्ट में पहला नंबर अफगानिस्तान के चैंपियन कप्तान राशिद खान का आता है जिन्होंने 53 मैचों में टी20 फॉर्मेट में 100 विकेट पूरे किए थे। संदीप लामिछाने 54 मैचों में यह कारनामा पूरा करने में कामयाब हुए हैं। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने 63 तो पाकिस्तान के हारिस राउफ ने 71 मैचों में अपने टी20 फॉर्मेट के 100 विकेट पूरे किए थे। नेपाल की टीम टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई करने से चूक गई है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों का दिल जरूर जीता है और नेपाल क्रिकेट की इसी उपलब्धि में अब संदीप लामिछाने का भी ये रिकॉर्ड शामिल हो गया है। संदीप लामिछाने नेपाल के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में वो खेल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद संदीप के लिए बीता एक साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा था जहां उन्हें पहले एक रेप के झूठे केस की वजह से क्रिकेट से दूर होना पड़ा था तो जेल तक जाना पड़ा था। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले संदीप लामिछाने को रेप के झूठे केस के मामले में बरी किया गया था जिसके बाद उनकी क्रिकेट में वापसी हुई है।